वेलकम एवरीवन। आज का हमारा सेशन है म्यूजिक मेडिटेशन। तो आप में से पहले किसी ने म्यूजिक या मेडिटेशन दोनों में से कोई एक चीज करी है या दोनों चीज करी है? गौतम जी, आपने कभी ट्राई किया म्यूजिक मेडिटेशन? ट्राई किया? म्यूजिक तो आप करते ही हैं। नहीं किया है? ओ, यस। अक्षर बोल रहे हैं, यस, ओके। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं एक मेडिटेशन का सेशन हम लोग करेंगे, जिसमें हम म्यूजिक को यूज करेंगे मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए। तो एकदम बेसिक, आपको बेसिक भाषा में मैं बता रहा हूं कि मेडिटेशन जो है उसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए हमारा जो मन है वो थोड़ा शांत हो जाए, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हम एक स्ट्रेस फ्री, एक ऐसा टाइम, एक ऐसी जोन में हम चले जाएं जहां पे हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड माइंड है, ठीक है? उसको हम बोल सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री, बट जस्ट फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम। धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन करते रहते हैं तो ये जो अवस्था है ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती रहती है विद प्रैक्टिस। तो ये जो मेडिटेशन है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं और उसमें गहरे उतरते जाते हैं, ठीक है? तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस अवस्था को हम पहचान सकें कि व्हाट इज मेडिटेशन। अब म्यूजिक क्या है? म्यूजिक जो है वो एक कह लो ऐसी चीज है जिससे हम, जब हम उसको कर रहे होते हैं, जैसे जब हम गा रहे होते हैं या जब हम म्यूजिक बजा रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए, उतने समय के लिए हम एक मेडिटेशन जोन में चले जाते हैं। तो जो लोग भी म्यूजिक करते हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा कि अननोइंगली, बिना जाने हुए, वो एक तरीके से मेडिटेशन ही कर रहे हैं। आप कभी नोटिस करना, जब आप म्यूजिक कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में आपके माइंड में कोई और थॉट नहीं आता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना कि कभी कोई एक गाना गा के देखो, कोई एक सॉन्ग गाओ, या अभी मेरे साथ जैसे मेरे स्टूडेंट्स कुछ बैठे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट पे आप बजाओ। उतने समय के लिए आप और कुछ सोच नहीं सकते, वो जो सॉन्ग गा रहे हो बस वो सॉन्ग ही आप गाओगे, ठीक है? तो ये बेसिक एक आप समझने की कोशिश करें कि वो जो म्यूजिक है वो अल्टीमेटली आपको मेडिटेशन में ही ले जाता है। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, कलाकार हैं, वो धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ही बातें करने लगते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ देयर कैरियर, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली ये आपको मेडिटेशन के अंदर ही ले जाता है। होता क्या है, थोड़ी देर के लिए जो हमारे थॉट्स हैं वो थॉट्स हमारे रुक जाते हैं, वो जो माइंड की जो अवस्था है, थोड़ी देर के लिए जो थॉट्स हमारे रुक गए हैं वो मेडिटेशन है। उसको और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं आप, उसी मेडिटेशन को, और म्यूजिक से भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो म्यूजिक एंड मेडिटेशन, ये आज हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल में आपको सजेशंस दूंगा, यहाँ से कुछ हम लोग साथ में गाएंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, आपको वो फॉलो करना है। खाली देखना नहीं है, अगर आप खाली देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के कैमराज बंद हैं, कोशिश करें अपना कैमरा खोल लें ताकि मेरे को पता चले यहाँ से कि आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर खाली देखेंगे तो आपको वो स्टेट, उसको पकड़ नहीं पाएंगे आप, जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करें साथ साथ में उसको करने की कोशिश करें जो यहाँ से बताया जा रहा है।
आराम से बैठो। हम स्टार्ट करेंगे आज अपना सेशन हमिंग से। हमिंग का मतलब होता है जब हम भंवरे की तरह गुंजार करते हैं। आप में से कुछ लोग प्राणायाम करते होंगे। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं? इस टाइप की हमिंग। तो इस टाइप की हमिंग से हम लोग शुरू करेंगे। भंवरे की तरह हम करना है, ऐसे करना है, ठीक है। जो म्यूजिशियन मेरे साथ बैठे हैं वो जिस सुर में मैं कर रहा हूँ उसी सुर में मिलाने की कोशिश करें, और जो लोग म्यूजिशियन नहीं हैं वो भी कोशिश करें कि जिस सुर में हम गा रहे हैं कोशिश करें उसी सुर में, नहीं तो अप डाउन भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बिल्कुल हार्ड रूल नहीं है। ठीक है, हमिंग करेंगे। मैं आपको यहां से सजेशन देता रहूंगा, उसको फॉलो करेंगे। शुरू करिए, आंखें बंद कर लीजिए। जैसे प्राणायाम करते हैं वैसे ही आंखें बंद करके लंबा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए हमिंग करनी है। हमिंग करते हुए अपनी आवाज को सुनना है, ध्यान से सुनना है। लिसनिंग टू योर ओन वॉइस, अपनी आवाज को सुनना है। करते रहिए, करते रहिए। क्लोज योर आईज एंड हमिंग। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, हमिंग करते हुए क्या कोई थॉट आ रहा है आपके माइंड में? थॉट के पीछे भागना नहीं है, देखना है खाली। इसको हम बोलते हैं बी वॉचफुल, जस्ट वॉच। कुछ करना नहीं है थॉट के लिए। क्या कोई थॉट आता है, क्या कोई विचार आता है, क्या विचार के बीच में कोई खाली जगह भी आती है? ऑब्जर्व करिए। क्या हमिंग करते समय केवल हमिंग हो रही है या कुछ और भी है? आप
आपको एक खालीपन जैसा महसूस होगा, एक ब्लैंकनेस पकड़ में आएगी, उसको फील करना है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। बिटवीन द हमिंग, ड्यूरिंग द हमिंग, करते जाएं लंबी सांस एंड हमिंग, आईज क्लोज्ड, भ्रामरी गुंजार, ऑब्जर्व करें क्या इस हमिंग के दौरान आपको कुछ पहले से बेटर महसूस हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है, उसको भी महसूस करें। उसको बोलेंगे फील गुड फैक्टर, द फील गुड फैक्टर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे हमने हमिंग करी, आप आंखें खोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस हमिंग को हम आ की आवाज से एक्सचेंज कर देंगे। अब हम बोलेंगे आ, जैसे किसी को बुलाते हैं आ, जैसे हम संगीत में आलाप करते हैं, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस हमिंग की जगह हम लोग आ करेंगे। संगीतकार मित्र जितने हमारे साथ बैठे हैं वो अलग अलग सुरों में आकार की प्रैक्टिस करेंगे और यहां से मैं आपको सजेशन दूंगा, उसको फॉलो करेंगे। ऐसे बोलना, देखिए गहरा सांस लेके उसको धीरे धीरे छोड़ना है आ बोलते हुए, जबरदस्ती नहीं करना है, लंबा जितना है उतना नेचुरली। अपने मुंह को बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना और बहुत कम भी नहीं खोलना, नॉर्मल, सब कुछ नेचुरल रखना है। फिर से करिए एक बार लंबा सांस लेके। जब आप आ कर रहे हैं तो अपने मन पे एक ऑब्जर्वेशन रखिए कि उसमें क्या चल रहा,
क्या गाते हुए, क्या आ करते हुए आप कुछ सोच भी रहे हैं? ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि हमिंग या आकार में गाते हुए हम सोच नहीं सकते। तो इस पूरे आकार जब आप गा रहे हैं उसकी पूरी लेंथ, पूरी ड्यूरेशन में देखिए कोई थॉट नहीं आएगा, एक ब्लैंकनेस है, उसको फील करना है। ऊंचे सुर में, नीचे सुर में, जैसे जो लोग संगीत नहीं भी जानते हैं, ऊंची आवाज, नीची आवाज, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए। आकार को गाते समय केवल गाना नहीं है, केवल आ नहीं बोलना, वो जो एक थॉटलेस स्टेट है उस पे ध्यान रखना है, देखना है कि वो जो ब्लैंकनेस है वो कितनी देर की है। अगर कोई थॉट आता है तो उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है, जैसे कोई एक बहुत हाई ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा खिड़की में से बाहर देख रहा है, एक गाड़ी आई चली गई, सड़क फिर से खाली, कोई नदी के किनारे, समुद्र के किनारे देख रहा है, एक शिप आई चली गई, नदी फिर से ब्लैंक, आकाश को देख रहे हैं, चिड़िया आई गई फिर से ब्लैंक, ऐसा कुछ आपको गाते हुए, हमिंग करते हुए करना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इस जो हमने आ किया, अब हम कुछ सुरों का प्रयोग करके इसी स्टेट को प्रैक्टिस करते हुए अब हम कुछ सुर गाएंगे, बहुत आसान आसान सुर गाएंगे, दो तीन सुर, जैसे मैं गाऊंगा आप उसके पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये सात स्वर होते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन,
गाइए। गा मा पा धानी धा पा मा। सुरों को गाते हुए भी केवल गाना ही रह जाए, पूरा फोकस सिंगिंग पे हो, आप देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सुरों को गा रहे हैं या गाते गाते कुछ और भी इधर उधर माइंड में चल रहा है, अच्छा ऐसे करना है, वो काम करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, केवल सुर ही रह जाएं। पामा गा गारे सा। सा गा पा। गाइए सा गा पा। गा आंखें बंद करके थोड़ी देर साइलेंस बैठ जाएं, शांत बैठ जाएं। क्लोज योर आईज। थॉट लेस स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की एक ऐसी अवस्था जब हम कुछ भी नहीं सोच रहे, वो है मेडिटेशन। और म्यूजिक से वो बहुत आसानी से अचीव की जा सकती है, बस टेक्निक आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे ये जो ब्लैंकनेस है, एकदम खालीपन है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, आपका ध्यान और गहरा होगा, आपकी मेडिटेशन और गहरी होगी। जितने भी संगीतकार हैं इसको अननोइंगली वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, एक खास एक पर्टिकुलर लेवल तक वो लोग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं है इसीलिए गहरे नहीं जा पाते। उसी को नोइंगली कर रहे हैं हम लोग, जान समझ के कर रहे हैं। दैट इज म्यूजिक मेडिटेशन। जब आप जो हमारे अभी जो म्यूजिशियन फ्रेंड्स जो बैठे हैं साथ में,
जब आप प्रैक्टिस करें सिंगिंग की या इंस्ट्रूमेंट की, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत बैठ जाएं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जस्ट ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि हमें स्ट्रेस फ्री होना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल है, थोड़ा शांत होना है, थोड़ा दिमाग को शांति चाहिए, मन की शांति, बहुत पॉपुलर वर्ड है मन की शांति। तो अभी इस जो समय जो चल रहा है 2024, मेरे से आप पूछें तो सबसे ज़रूरी चीज़ लाइफ में वो है मेडिटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम ना एकदम बहुत ज़्यादा धीरे 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 पागलपन की ओर जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले टीवी में एक चैनल होता था, उसका एक टाइम होता था, अभी 50 चैनल हैं और कोई टाइम नहीं है। और मेडिटेशन के लिए ये जो थॉटलेस स्टेट की आज जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ये है क्या। इसका रिलीजन से कोई लिंक नहीं है, इसका आपके अपने बीइंग से, आप जो हो उससे लेना देना है। इस शांति की अवस्था में जब तक आपका मन करे कभी भी आप रह सकते हैं, कभी भी आप वापस अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। बीच बीच में इसको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अब थोड़ा सा और लाइट, थोड़ा लाइट मूड में आ जाते हैं, कुछ सॉन्ग्स गाते हैं, फिल्मी गाने मैं यहाँ से गाऊंगा, आप मेरे साथ गाएंगे। अब आप वो मेडिटेशन वगैरह सबको छोड़ दीजिए, ठीक है, अब बिल्कुल लाइट मूड में आ जाइए। कुछ बहुत गंभीर काम नहीं करना, ठीक है, हम कुछ बहुत हैवी काम नहीं करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सीरियसली बहुत ऐसे बैठ गए। लाइट मूड में रहना है बिल्कुल, ऐसे कुछ बहुत ऐसा नहीं समझना कि बहुत कोई हम बहुत हैवी काम कर रहे हैं, दिल पे पत्थर रखने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी लाइट मूड, हैप्पीनेस। एक सॉन्ग गाते हैं साथ में, बहुत पॉपुलर गाना है, पुराना, आपने सुना होगा, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। मैं यहाँ से गाऊंगा, आप मेरे साथ साथ एक एक लाइन, दो दो लाइन करके हम लोग साथ में गाएंगे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, आ जहाँ भी ले जाए राही हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, आ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, आ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं।
तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बाहर आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, आ जहाँ भी ले जाए राह हम संग है। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, आ जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। थोड़ी देर शांत बैठेंगे, आंखें बंद करके दो मिनट मौन सिंगिंग करते समय हम केवल सिंगिंग कर रहे थे, अब वो सिंगिंग भी गई। अब देखिए अब क्या है, शुरू शुरू में विचार आएगा जाएगा, थॉट्स आएंगे जाएंगे, बट बीच में एक खाली जगह भी आएगी, एक ब्लैंकनेस, एक मौन, एक शांति। उसको ज़रूर ऑब्जर्व करना है।
इसी के साथ हमारा ये म्यूज़िक मेडिटेशन सेशन संपन्न होता है। आप सभी को शुभकामनाएं।